हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में राज्य में आबकारी नीति को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। प्रदेश के अंदर चल रहे शराब के ठेकों को नीलाम करने का निर्णय लिया गया है। इसमें राज्य सरकार को 2400 करोड़ की अतिरिक्त आमदनी होने की उम्मीद है। प्रदेश में 6 साल बाद शराब ठेकों की नीलामी होगी। आज हिमाचल मंत्रिमंडल की जो है कैबिनेट मीटिंग हुई है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में हुई है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण फैसला है वो एक्साइज पॉलिसी के बारे में जो आज मंत्रिमंडल के समक्ष जो है एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने कि जो हमारे शराब के ठेके हैं उनके ऊपर जो है मंत्रिमंडल जो है फैसला करे कि ये वेंस की ऑक्शन की जाए, या फिर जैसे पूर्व में भाजपा सरकार के समय में इनकी ऑक्शन नहीं हुई थी, सिर्फ जो है रिन्यूअल हुआ था विद एन इंक्रीज ऑफ 10% एवरी ईयर। तो विस्तृत रूप से कैबिनेट में चर्चा हुई और कैबिनेट ने ये फैसला लिया है कि हिमाचल प्रदेश के जो ठेके हैं उनको जो है ऑक्शन के माध्यम से जो है उसकी नीलामी की जाएगी। और डिपार्टमेंट का प्रपोजल था कि भाई जो रेवेन्यू है वो इनका एक्सपेक्टेड था 2357 करोड़ रुपए अर्जित करने का था, 2357 रुपए विद एन इंक्रीज ऑफ 10.6%। मगर कैबिनेट ने जो है, क्योंकि हमारा चुनावी मुद्दा भी था और हम विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर कांग्रेस पार्टी समय समय पर पूर्व भाजपा सरकार को ये कहती रही थी कि वेंस की जो है शराब के ठेकों की जो है वो ऑक्शन होनी चाहिए, मगर इन्होंने नहीं की है। मगर हमने जो हमारे फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर में माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने ऑक्शन शराब के ठेकों को ऑक्शन करने का फैसला किया है, और हमें उम्मीद है कि हमारा जो रेवेन्यू है जो कि 10.6% डिपार्टमेंट का एक्सपेक्टेड था, अगर हम इसको रिन्यू करते वो हमें उम्मीद है कि वो हमारा 15% 18% या 20% जो है वो जाएगा। एक फैसला ये कैबिनेट ने लिया है। साथ ही प्रदेश मंत्रिमंडल ने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से वाटर सेस वसूलने के मामले को हरी झंडी दिखा दी है। प्रदेश में कुल 172 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं। सरकार ने निर्णय लिया है कि इनसे 10 मार्च से लेकर वाटर सेस लिया जाएगा। इससे सरकार को 1000 करोड़ से अधिक की आमदनी का अनुमान है। इसके लिए सरकार बजट सत्र में हिमाचल प्रदेश वाटर सेस ऑन हाइड्रो पावर जनरेशन बिल 2023 लाएगी। आप पाएं अपने हिमाचल की खबरें और न्यूज अपडेट्स व्हाट्सएप पर। लोकल लाइव हिमाचल का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक पर क्लिक करें। न्यूज अपडेट अपने व्हाट्सएप पर।